अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। भाभी भाभी क्या बात है श्याम, चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ आओ भाभी तो बताऊंगा। क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि पराए घर में आए हो। पराया ही लगता है भाभी, आपने आते ही इसका हुलिया जो बदल दिया। मैं पहले तो मैं ऐसे ही आते जाता था, लेकिन अब सोचना पड़ता है। और वही एक कोना जो गोपाल भैया का नजर आता है, जो बिखरा पड़ा हुआ है। अरे कड़े गांव से आए हो क्या कि कड़े कड़े बातें कर रहे हो? और ये क्या तुमने बरसाती पहन रखी है शाम? चलो उतारो, सारा कमरा भिगो रहे हो। ठीक है भाभी। और तब तक मैं जाऊँ तुम्हारी चाय बना के। सिर्फ चाय भाभी? थोड़ा खाने के लिए। क्या चाहिए, क्या बना लूँ? कुछ बना लूँ क्या? कुछ अच्छा बनाओ भाभी, नहीं तो मैं लाऊं कुछ बाहर से। क्या लाओगे? कोई समोसा कचौरी और अच्छा ठीक है बाबा, चलो जाओ जाकर 6-4 अंडे ले आओ, मैं तुम्हारे अंडे का हलवा बना देती हूँ। ठीक है? शिवा शिवा, इस चीज का नाम मत लो भाभी। जाओ जाओ, मुंह खुला करके आओ, मुंह ब्रश हो गया होगा। अरे मुझे तो इस बात समझ में ही नहीं आती, तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे कि कभी खाया ही ना हो। तुम्हारे भैया जो इलेक्ट्रिक स्टोव लाया है ना हमारे कमरे में, वो हमेशा माँ से कहते हैं कि हर सुबह बैटरी बनवानी है, लेकिन क्या बनवाते हैं मुझे? अंडे बनवाते हैं। संयम संयम भाभी, माँ जी ने सुन लिया तो हमें तो घर से निकाल ही देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, हम क्या अंडे नहीं खाते घर में? अंडे खाते हैं तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? और तुम कौन सी दूध के दूल्हे हो? हर सवेरे जो तुम दूध के साथ पीते हो क्या मुझे नहीं पता? ठीक है भाभी, चला जाता हूँ, आता हूँ। और हाँ, आते हुए किशमिश भी ले आना, ठीक है? हाँ ले आऊंगा भाभी। अरे कितना काम बाकी है, इस घर में तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और ये देखो इनका कोना, सब कुछ बिखरा पड़ा, कुछ भी ठीक तरह से नहीं रख सकते। हे भगवान, अभी तो चाय भी बनानी है। राधा जी जी, ओ राधा जी जी, ये क्यों कमरा बंद करके रखा हुआ है? सोए हुए हो क्या? चलो दरवाजा खोलो, मुझे चाय के लिए पानी निकालना है। क्या हुआ? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? शरीर तो टूट रहा है, मैंने सोचा थोड़ी देर लेती हूँ। ये क्या कोई सोने का समय है क्या? चलो आओ। ठीक है बाबा। चलो बैठो, अब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे रीना क्या बात है, क्यों हंस रही हो? अरे भाभी ये देखिए आपकी चंद्रकांता। ऐसे चीना चपड़ी में नहीं दूंगी भाभी, अच्छे से पूछा तो दूंगी। ठीक है तुम्हें ना। अरे अच्छी किताब है भाभी, पढ़ो पढ़ो, अच्छी है। ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते, उनको पता चला ना तो सब कुछ सत्यानाशी हो जाएगा। ये तो कौशल्या भाभी ने दिया है, इसलिए मैंने उठा लाए, वो भी जबरदस्ती दिया है उसने। अरे पढ़ो पढ़ो भाभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, टेस्ट तो थोड़ी पचकानी सी है लेकिन। हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। अरे नहीं नहीं जी, मेरा मतलब वो थोड़ी था, मैं तो यही कह रही थी कि आप रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो ना, आपको एक किताब थोड़ी सी बचकानी ही लगेगी। हाँ यह बात तो है ही। अच्छा दीदी चलो, बहुत देर हो रही है, शाम अभी आता ही होगा, मुझे चाय बनानी है। ठीक है आप बैठो। क्या बात है, शाम पर बहुत मेहरबान हो रहे हो। सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। क्या कहा, क्या कहा तुमने? हाँ यहाँ पे भाभी बैठी है और हमसे ज्यादा जानती है, समझे? अरे तुम हमारे भाभी को कुछ मत कहना, ये देवी है देवी। हाँ।
तुम तो क्या वो सनसेट लवर्स पढ़ती रहती हो सारा दिन, और ये है हमारी भाभी जो रामायण और महाभारत पढ़ती है। सच? सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? भाई हम नहीं कुछ भी पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है, जो पढ़े कभी 10 मिनट मिले तो 4 अक्षर पांच लिए। वक्त ना मिले ये तो अलग बात है, पर पढ़ने के लिए गुड़ का रामायण तो छोड़ रखी है ना, बस मन में भावना होनी चाहिए। हाँ हाँ भाभी की ये गुड़ का रामायण तो मैं ले आई हूँ। वैसे भाभी तो मुझे इसे लाने ही दे रही थी, पता है अभी अभी उनसे समुद्र रंगन की ही कथा सुन रही थी मैं। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो की है मगर जो विद्या तुम भाभी से प्राप्त कर सकती हो वो स्कूल कॉलेजों में भी नहीं बांट सकते। भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम आप ही अनपढ़ हैं। हम वीना के पास इसलिए आते हैं कि 2-4 अक्षर सीख जाएं। तुम और इससे सीखोगी, ये उल्टी रीतियां नहीं चलेगी भाभी, बड़ा बड़े की जगह छोटा छोटे की जगह। खैर इजाजत हो तो मैं, बारिश का मौसम है मन तो नहीं लग रहा। अरे आप तो कह रहे थे कि इस घर में आप किसी के सामने सिगरेट नहीं पीते। वो क्या है ना कि बस भाभी के सामने पी लेता हूँ, वो एक बार गैलरी के पास चिपकर पीते वक्त भाभी ने देख लिया था, तो इसके बाद भाभी की बहुत मेहरबानी हुई है, जब भी चाहता हूँ ना उनके कमरे में जाकर चिपकर थोड़ी पी लेता हूँ। हाँ हाँ घर में किसी को क्यों पता चला होगा, भाभी ने जेठ जी को थोड़ी बताया होगा। हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो, हमारे यह आदत नहीं है कि उधर की बात इधर और इधर की बात उधर लगाते फिरे। जब हम एक बार कहते हैं कि किसी से नहीं कहेंगे तो मैं किसी से नहीं कहती हूँ, दिल में रखने की बात दिल में ही रखते हैं। और नहीं तो क्या, दिल में रखने की बात दिल में ही रखनी चाहिए। देखो पानी उबल रहा है। हाँ हाँ पानी अभी उबलता ही होगा, अभी तो शाम भी आ जाएगा। लो भाभी वो चीज ले। अरे ये लो। लेकिन क्या है वो चीज जो आपने कही थी? लाए हो ना। हाँ लेकिन बड़ी भाभी है ना। अरे कुछ नहीं होता, चलो निकालो, चलो चलो चलो। ये कौन सी चीज है जिसके लिए इतना हल्ला हो रही है? अरे कुछ नहीं, वह बस बोल रहा था कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि 6-4 अंडे ले आओ, अंडे का हलवा बना लेती हूँ। अंडे का हलवा? ये तुम्हें क्या सूझी है, इतनी बार कहने के बाद भी तुम? फिर क्या? देखो बिना मैंने तुमसे पहले भी कहा है इस चीज को घर में मत बनाया करो, अगर किसी को खाना हो तो बाहर जाके खाए, पर घर में? घर में घर वाले देख लेंगे, इसी बात का डर है ना। अरे राधा जी क्या नहीं जानती कि हमारे कमरे में रोज सुबह? अरे क्या बकरी हो, होश में तो हो। सच पूछो गोपाल तो हमें इस चीज का पहले से ही पता था। किस चीज का पता है? इस चीज का कि रोज सवेरे अपने कमरे में क्या बनता है चाय के साथ। क्या बनता है? तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। किस चीज की खुशबू आती है? जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी। लीजिए छुपाइए, जी जी को इस खुशबू से पता चलता होगा कि सुबह सुबह क्या पक रहा है। जरूर जान लेते हैं, आज तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं, सुबह बनाए थे कि नहीं। अरे आप तो खुशबू से सब कुछ पहचान लेते हैं, इसका मतलब जी जी आप भी? ना ना हम तो कभी नहीं खाते, चाहे किसी की कसम दिलवा दो। हमें तो खुशबू से ही पता चल जाता है, हर चीज की खुशबू थोड़ी ना हो जाती है। वाह भाभी आपकी नाक तो बहुत तेज है। बड़ी भाभी की सिर्फ नाक ही नहीं आंखें भी बहुत तेज है, जो तुम अपने कमरे में जो करतूत करते हो ना वो भी मुझे सब पता है। अरे मेरी किस करतूत का आपको पता है? अरे रहने दी तो, बताने से चुप रहना ही अच्छा है। माँ जी से मैंने तो कहा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा दूध का ग्लास मैंने अलग ही रखा है और अलग ही मंजवाती हूँ। अरे भाभी किशमिश तो मैं भूल ही गया, कहो तो मैं अब ले आऊं। नहीं नहीं अभी रहने दो, अभी मत ले आना।
अच्छा ना बना हो ना तो मुझसे मत कुछ कहना, समझे? मीना, ओ बंद क्यों रखा है और सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है। कितनी बार ही कहा है लिपाई करा दो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। कल करवाएंगे, कोई फिक्र ही नहीं है मेरे छत के कमरे की। अरे वीना, तू वहाँ चम्मच लिए क्यों खड़ी है और शाम तू ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ छुपाया है क्या? माँ, वो क्या है ना कि वो उसका वो क्या है, वो वीना का हाथ जल गया था। हाथ चल गया? नहीं, मैंने देखो तो सही। नहीं माँ, वैसा खाच खुश नहीं जला है वो, बस ऐसा है वो मर गया, ठीक हो जाएगा, फिर चिंता करने कोई बात नहीं। हाँ, वैसे तो वो ठीक हो गई है, पर लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मरहम लगा दो। वो क्या है ना कि शुरू में पता नहीं चलता, पर बाद में कुछ हुआ तो, इसलिए वो कहते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर इसका हाथ अभी जला कैसे, इस सब क्या काम कर रही थी? अरे कुछ नहीं माँ, वो शाम को चाय पीनी थी इसलिए चाय बना रही थी कुछ, और हाथ जल गई। जलना नहीं चाहिए था पर उसका जल गई, पर अब तो ठीक है लगती है क्यों ना बिना? अरे हाँ, पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं हो रहा। और नहीं तो क्या माँ, महसूस करने की कोई बात ही नहीं है, आप बेकार में फिक्र कर रही हो। उसका हाथ देखो ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बिजली का स्टोव घर पे मत लाओ, लेकिन मेरे यहाँ पे सुनता ही कौन है। ये बिजली का स्टोव कर दिया ना मुसीबत इसने, ये बिजली का स्टोव हाथ जलाएगा या तो करंट मारेगा, अगर करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ये वहाँ क्या रखा है? ये कुछ नहीं है माँ, ये तो फ्राइंग पैन है, ये तो तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे तलने के लिए क्या बहू यहाँ तुम्हें तल तल के चीजें खिलाती है? अरे वहाँ लगता है कुछ पड़ा हुआ है, मैं भी तो देखू बहू ने क्या बनाया है। ना माँ, उसको हाथ मत लगा, अभी आपने कहा था ना कि ये करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलेगा नहीं तो ये करंट मारेगा। मगर ये तो बुझावा है, क्या बुझावा भी करंट मारता है? इस चीज का कोई भरोसा नहीं अम्मा, कभी भी करंट मार सकती है, इस चीज से दूर ही रहना। अच्छा हाथ नहीं लगाती, मगर ये तो पता है इसमें छोटी बहू तेरे लिए क्या क्या बना कर बनाती है, अभी भी तो कुछ बनाया हुआ ही है। ना माँ, वो कुछ खास नहीं, बस शाम के लिए। अरे मैंने कब कहा था, वो तो भाभी ने। अरे हाँ, मैंने कहा था। वीना ने भी नहीं माँ जी, हमने कहा था। हाँ, हमने वीना से कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के टखनों पर बांध दो। क्रिकेट खेलते वक्त इसी बाहरी दुनिया दिखती कहाँ है? मैंने तो पहले ही कहा था कि पुलटिस लगवा दो। यही तो मैं कह रहा था, इस लड़की को जरा भी ख्याल नहीं है, अब पुलटिस बना के वही लेटे रहना तो। अच्छा पुलटिस लाओ, पुलटिस मैं बनवा देती हूँ, कोई देना पुराना वराना कपड़ा, कोई धोती का कपड़ा, ये मेरी साफ करने का कपड़ा है। नहीं, ये तो जंपर है माँ, ऊपर से गिरा होगा, अब फिक्र मत करो, अब आराम करो। जंपर वहाँ का टंगा हुआ कि अपने आप गिर गया होगा, ये तुम घर वालों के लक्षण मेरे समझ नहीं आते, और आराम करने की बात करते हो, घर का काम कौन करेगा? तुम फिकर मत करो माँ, आओ चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। तुम कैसे चलोगे, तुम्हारे पैर में चोट नहीं लगी है क्या? हाँ माँ, मैं भूल ही गया। अरे माँ, मैं छोड़ आता हूँ, चलो। जल्दी जल्दी खा लो अभी भैया। अरे ये सब जल्दी जल्दी छिपा के रखना, भैया आते ही होंगे, और वो छिलके मेरे कोट की जेब में रखना। क्यों भाई, क्या भर रहे कोट की जेब में, कोई देखने की चीज तो नहीं? नहीं भैया, कुछ नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। छिलके तुम्हारे जेब में छिपा दिए गए? जी हाँ जी, नहीं भैया, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और श्याम बाबू तुम क्या गाकर मुंह पोंछ रहे हो? वो भाभी ने पुलटिस बनाया था, वो जल्दी में पुलटिस बनाई थी, और तुमने इतनी जल्दी भी कहा भी थी, आजकल पुलटिस भी खाते हैं लोग, और किस काम के आती है पुलटिस? भैया सब जानते हैं राजा, तुम्हारे भी और इसकी भी, और बीवी है ना उसकी भी।
अरे भैया अब आपसे क्या छुपे, आप तो सब जानते, पर अम्मा को मत बताना, वाट लगेगी। अम्मा को ना बताओ, सब जानती है अम्मा। अम्मा सब जानती, जानती है? क्यों नहीं जानती है? अम्मा वो भी जानती है जो मैं नहीं जानता हूँ कि वो जानती है।